नवरात्रि में श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना प्रसिद्ध शक्तिपीठ छिन्नमस्तिका स्थान। कालांतर में तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध रहा है उज्जैन गांव का छिन्नमस्तिका स्थान, जहां खुले आसमान तले विशालकाय नीम के पेड़ तले विराजमान भगवती करते भक्तों की मनोकामनाएं पूरी। मिथिला के कणकण में शिव विराजमान है और इसके ढेरों प्रमाण भी है। मिथिला के कणकण में शिव विराजमान है तो शक्ति भी विराजेगी ही। मिथिला को कला और संस्कृति नहीं शिव शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। मिथिला में कई ऐसे शक्तिपीठ हैं जिसकी ख्याति देश विदेश है और अभी नवरात्रि के दिनों में दूर दराज से श्रद्धालु यहां दर्शन पूजन अर्चना के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि यहां जो भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं उनकी जरूर मनोकामना पूरी होती है। आज हम बात कर रहे हैं मिथिला के एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ में से एक छिन्नमस्तिका स्थान की। दरभंगा जिले के मनिगाछी प्रखंड अंतर्गत लालपुर गांव स्थित छिन्नमस्तिका भगवती एक विशाल काय नीम के पेड़ के नीचे स्थापित है। यहां छिन्नमस्तिका के स्थापित काल का विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी, लेकिन स्थानीय पुजारी बताते हैं कि उनकी कोई पीढ़ियां यहां पूजा अर्चना करते रहे हैं। जिस नीम के पेड़ के नीचे खुले स्थान में माता का स्थान है, वो पेड़ कई सौ साल पुराना बताया जा रहा है और सबसे बड़ी विशेषता है कि इस पेड़ में कभी पतझड़ नहीं होता, हमेशा ये पेड़ हरा भरा ही रहता है। कालांतर में कभी तंत्र साधना के लिए विख्यात रहा है, पूर्णतः शांत कर रमणीय है। चारों तरफ कलम बाग है। लखनदेई संप्रति कमला नदी के तट पर आम के घनघोर बगीचे से घिरा अद्भुत स्थल है, जहां सालों भर भक्त श्रद्धालु पहुंचते हैं। नवरात्रि में हजारों हजार की भीड़ पहुंचती है। नवरात्रि में प्रत्येक दिन कन्या भोजन, महाअष्टमी के बाद बलि प्रदान भी होता है। इस स्थल का अब जो विकास हुआ है वो स्थानीय ग्रामीण और श्रद्धालुओं के द्वारा ही कराया गया है। स्थल के पुजारी बताते हैं कि एक बार दरभंगा महाराज की रानी द्वारा स्थल का विकास करने का प्रयास तो किया गया, लेकिन संभव नहीं हुआ। चौथा स्तंभ, ब्यूरो रिपोर्ट। की सब हुई छे विशेष कुमकुम पूरा जे खोंच भरल जाय छन, साड़ी चढ़े छन, वस्त्र चढ़े छन, चुंदरी चढ़े छन जी, नारियल फोड़ल जाय छन, नारियल चढ़े छे, कुमार भोजन सब चढ़े छन। कुमार भोजन त खूब होई छे, सातो आठो सब कुमार खाई छे, सब दिन होई छे, सब दरबार भरल रहे छे कुमार से। यानी कि नवरात्रि में दसो दिन कुमार भोजन, हाँ दसो दिन अहाँके नवरात्रा में कुमार चल रहा, बलि प्रदान सेहो होई छे, हाँ हाँ डेढ़ सौ खने दू सौ बलि प्रदान रहे छे। महाअष्टमी पूजा के बाद बलि प्रदान कई दिन होई छे, पूजा के बादो लोग दे छे छे बलि प्रदान तो होई छे, हाँ होई छे। जे जने छे से कहे छियै जी, छिन्नमस्तिका छथि भगवती जी, पताले से उपलब्ध छथिन भेल जी, पाँचो सौ की दसो सौ बरख भेल हेतै जी, तहन जे वएह भक्त सब अबै छन, मन के मन पूरा होइ छन। कते पीढ़ी से अतः अहाँ सब के परिवार पुजारी के रूप में छियै? सात पीढ़ी आठ पीढ़ी से, सात आठ पीढ़ी से पुजारी छियै। ई नीम अहाँ के पेड़ पर बाबा के बबेस आलमल से छै और मैया यह पेड़ के नीचा में, हाँ उपलब्ध छथिन। एहि स्थान के विकास के लेल कोनो नेता सब के कोनो पहल? नेता सब के की पहल रहते, अतः जे कुछ भ रहल छै ग्रामीण के सहयोग से, ग्रामीण सहयोग करै छन ग्रामीण सब, और मैया के जे भक्त छन उनकर जे होइ छै से विशेषता क्या है? व्यवस्था है ये कि यहाँ हर समय चार बजे से पूजा पाठ शुरू हो जाता है जी, ठीक है। इनके मनकोमना भगवती स्थान है ये छिन्नमस्तिका भगवती उज्जैन लालपुर जी, ग्राम उज्जैन लालपुर, और यहाँ जो मनकोमना भक्त लोग आते हैं मांगने के लिए वो पूरा होता है जी, ठीक है। हिंदी में दीजिए, अति में दीजिए। जो इतिहास है कब उद्भव हुए, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई, वो किसी को नहीं मालूम है कब हुए हुआ, लेकिन पूजा पाठ की शुरुआत कब से हुई? कम से कम 200 वर्ष पुराना से शुरू हुआ है ये, 500 वर्ष पहले से ही हमारा बाबा पुरखा जो है जी वो करते आए हैं पूजा पाठ जी, और हमारा पिताजी या मम्मी जो हैं ये मंदिर का पुजारी हैं श्री सुशील झा, उनका बालक मैं सुमन झा हूँ जी। जब से हम देख रहे हैं तब से यही भीड़ लगा रहता है, नीचे ये नहीं कि नवरात्रि में ऐसा रहता है, एनी टाइम रहता है
स्थल। नवरात्रि में विशेष दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं।